फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ एकदम ठीक ठाक से होंगे। तो फ्रेंड्स, आज मैं आपको आपके स्किन को फेयर करने वाला एक बहुत ही होममेड इजी सा फेस पैक बताने वाली हूँ। देखिए, आप लोगों को ना गोरा वर्ड समझ में आता है, फेयर वर्ड समझ में आता है, इसलिए मैं गोरा फेयर वर्ड का इस्तेमाल कर रही हूँ। लेकिन ऐसा नहीं है कि जो मैं जो बता रही हूँ इसे अगर आप इस्तेमाल करती हूँ और एकदम दूध की तरह व्हाइट हो जाइएगा तो मैं झूठी बोलूंगी, ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला है। लेकिन इसे अगर आप इस्तेमाल वीक में करते हैं ना, जो मैं बता रही हूँ फेस पैक, ये आपको 2 से 3-4 सेट तक आपके स्किन टोन को बहुत अच्छे से लाइटन करेगा और आपकी कितनी भी स्किन खराब हो गई होगी ना, तो उसे ये बहुत अच्छा से ठीक करेगा। आपने बहुत ढेर सारे DIYs की होगी, बहुत कुछ बाजार से लाके इस्तेमाल किया होगा। अगर स्किन बहुत ज्यादा खराब भी हो गई है ना, तो आप घर के नेचुरल चीजों का इस्तेमाल करके देखिए गाइस, ये बहुत अच्छा काम करती हैं। कितनी भी हमारी स्किन खराब हो चुकी होती है ना, अगर आप घर के चीजों को आंख बूंद मूंद कर इस्तेमाल करती हैं, तो वो आपको बहुत अच्छी रिजल्ट देंगी। धीरे धीरे ही देंगी, लेकिन आपकी स्किन की सारे प्रॉब्लम को ठीक करेंगी। इसलिए फ्रेंड्स, आप घर की नेचुरल चीजों को जरूर इस्तेमाल करके देखिए। हाँ, अपने पेशेंस को मत खोइए। होता क्या है कि आजकल के लोग, जो गर्ल्स वॉयस हैं या हम ही क्यों ना हो, बस हम सोचते हैं एक दो बार कुछ कर लो फटाफट से हमें रिजल्ट मिल जाने है। लेकिन ऐसा नहीं होता है। थोड़ा पेशेंस रखिए, घर की चीजों को इस्तेमाल कीजिए, ये स्किन को बहुत अच्छी करती हैं। तो जो मैं बता रही हूँ इसे आप इस्तेमाल जरूर कीजिए। ये घर की नेचुरल चीज है, इसे आप वीक में रोज भी करेंगे ना, तो बिल्कुल भी आपकी स्किन को खराब नहीं करेगी। और ये जो मैं बता रही हूँ ये बहुत ही सिंपल इजी है, इसे आप चाहो तो बनाकर आराम से रख लीजिए और जब भी फुर्सत में हो ना, बस इसे निकालिए और इस्तेमाल करके देख लीजिए, ये आपको कितनी अच्छी रिजल्ट देगी। आपकी स्किन टोन बहुत अच्छे से फेयर हो जाएगी, दाग धब्बे चमक ग्लो मतलब जो भी खत्म हो चुकी है वो सारे गेस मेरे जो बताए फेस पैक के इस्तेमाल से वापस आप आ सकती हैं। अब आप सोचोगे कि इतनी यकीन से मैं क्यों कह रही हूँ, क्योंकि मैंने इसे इस्तेमाल किया है। देखिए, मैं यूं ही कुछ भी उठाकर नहीं ले आती हूँ, मैं बहुत रिसर्च करती हूँ, इस्तेमाल करती हूँ, जब मुझे रिजल्ट बहुत अच्छी मिलती है फिर मैं आप लोगों को बताती हूँ। तो चलिए, अब ज्यादा बकबक नहीं करते हैं और इसे देखते हैं कि किस तरह से बनाना है। तो चलिए मेरे साथ मेरी किचन में। तो आपके चेहरे को गोरा करने के लिए अगर आपको फेस पैक बनाना है, तो इसके लिए आपको आलू लेनी है। जी हाँ, आलू को आप अच्छी तरह से पिल कर लीजिए। पिल करने के बाद उसे आप धो लीजिए ताकि उसकी डस्ट गंदगी क्लीन हो जाए, साफ हो जाए। ठीक है, तो यहाँ मैं आपको धोकर दिखा रही हूँ, अच्छी तरह से धो लीजिए। धोने के बाद फिर आपको करना क्या है कि आप आलू को, या तो आपके पास मिक्सर ग्राइंडर है तो आप उसे पीस लीजिए, या फिर आप उसे कद्दूकस भी कर सकती हैं। तो मैं यहाँ पे उसे अच्छी तरह से घिस रही हूँ, घिस कर इसके जो कद्दूकस कर ली। उसके बाद आपको क्या करना है कि आप एक बाउल में क्लीन पानी लेकर, साफ पानी लेकर, जो कद्दूकस किया हुआ आलू है ना उसको उसमें आप डालिए। डालने के बाद अच्छी तरह से, बहुत अच्छी तरह से आप उसको धोइएगा उस पानी के अंदर। ठीक है, क्लीन जो आपका पानी उसके अंदर से अच्छी तरह से धो लीजिए। धोने के बाद सारा जो आपका कद्दूकस किया हुआ आलू है उसे आप बाहर दूसरे बर्तन में निकाल लीजिए। ठीक है, देखिए जैसे मैं कर रही हूँ बिल्कुल आप वैसे ही कीजिएगा। तो देखिए मैं निकाल कर आपको दिखा रही हूँ, तो जितनी भी है मैंने वो सारे इसमें निकाल ली दूसरे बर्तन में। अब हम क्या करेंगे कि वो जो पानी है उसे आप 2 घंटा के लिए ऐसे ही छोड़ दीजिए, रख दीजिए। रखने के बाद फिर आप उसे एक छन्नी से उस पानी को दूसरे बर्तन में छान लीजिए। मैं आपको छान कर दिखा रही हूँ, देखिए छनने के बाद ये जो पानी मैंने छान लिया है, आप देखिए इस पानी को आपको फिर 2 घंटा के लिए आप इसे रख दीजिए। ठीक है, आपको 2 घंटा के लिए वैसे रख दीजिए। रखने के बाद फिर आप देखोगे ना कि पानी के नीचे आप खुद नोटिस करोगे कि नीचे जो आलू का स्टार्च है ना वो नीचे पानी के नीचे आपको जमा हुआ बैठा हुआ दिखेगा। अब आप उस पानी को धीरे धीरे दूसरे बर्तन में छान लीजिए। जब आप छान लीजिएगा तो आपको नीचे में बैठा हुआ आलू का जो स्टार्च है वो आपको मिल जाएगा।
तो देखिए मेरे बर्तन में आप देख रहे हो कि नीचे में बैठा हुआ स्टार्च जो मुझे चाहिए वो हमें मिल चुका है। वाइट आप देख रहे हैं ना, वाइट कलर का जो है यही स्टार्च है, सुपर स्टार जो हमारा बोलते हैं ना, स्टार स्टार जो चाहिए, जो हमारे स्किन को बहुत अच्छे से गोरा करेगा जो इंग्रेडिएंट्स वो यही है। इसे आप ज़रूर इस्तेमाल करके देखिए। इसको आप अब क्या करोगे कि इसे आप एक बर्तन में निकाल कर धूप में सुखा लीजिए, फैन के नीचे सुखा लीजिए, तो ये बिल्कुल आपको पाउडर फॉर्म में मिल जाएगा। मैं इस तरह से एक बाउल में इसे निकाल कर फैन के नीचे रख लेती हूँ और सुखा ली हूँ। देखिए एकदम बिल्कुल पाउडर फॉर्म में मिल गया। गाइज अगर आपको अपने रियल में कलर को फेयर करना है तो आप इसे इस्तेमाल करके देखिए, आपको रिज़ल्ट इतनी अच्छी मिलेगी ना, और एकदम नेचुरल है। आप इसे रोज़ भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इवन जिन लड़कियों की शादी होने वाली है ना, वो इस फेस पैक को बनाए और इस्तेमाल कीजिए, फिर देखिए कि क्या मेरिकल होने वाली है। आपकी स्किन इतनी अच्छी सी आपको ग्लो करते हुए, फेयरनेस जो बोलते हैं ना लोग, जो फेयरनेस आपको चाहिए ना वो फेयरनेस आपको मिलेगी। आप गोरा वर्ड समझ में आप लोगों को आता है, इसलिए मैं आपको गोरा वर्ड फेयरनेस ये वर्ड इस्तेमाल कर रही हूँ, बता रही हूँ। तो आप इसे ज़रूर बनाकर आप रख लीजिए और इस्तेमाल कीजिए। अब फेस पैक बनाने के लिए मैं क्या करती हूँ कि इसे ले लेती हूँ, इसमें फिर मैं ग्लिसरिंग ऐड की हुई हूँ, ठीक है। ग्लिसरिंग ले लीजिए, उसके बाद फिर मैंने इसमें हनी ऐड किया हुआ, तो लगभग मैंने हाफ हाफ चम्मच मैंने लिया हुआ है, तो मैं यहाँ हनी भी हाफ चम्मच ले रही हूँ। फिर इसमें आप ऐड कीजिए लेमन जूस। देखिए लेमन जूस इसलिए ऐड कीजिए क्योंकि लेमन में आपको पता है कि बहुत ज़्यादा विटामिन सी होती है। अगर ये दोनों और मिल जाएंगे तो सोचिए कि और कितनी अच्छी हमारी स्किन पर ये काम करेंगे। अगर आपको लेमन नहीं भी सूट करता है ना तो आप ऑरेंज जूस ले सकती हैं। तो यहाँ पर मैंने लेमन, मुझे सूट करता है इसलिए मैं लेमन जूस ले रही हूँ। फिर इसमें हम चुटकी भर हल्दी ऐड करेंगे और इस तरह से हमारा पैक बनकर तैयार हो गया। आप इन सबको अच्छी तरह से घोलिए और अपने फेस पर इस्तेमाल करके देखिए गाइस, ये बहुत ही बढ़िया काम करने वाला है। मैं इसे काफ़ी लंबे टाइम से इस्तेमाल कर रही हूँ, इसने मुझे बहुत अच्छी रिज़ल्ट दी है। देखिए मैं यूँ ही कुछ भी उठाकर बनाकर आप लोगों के सामने लेकर नहीं आती हूँ, मैं उसे इस्तेमाल करती हूँ। इसकी रिज़ल्ट मुझे जब बहुत अच्छी मिलती है फिर मैं आप लोगों को बताती हूँ, क्योंकि आप लोग मेरे सिर्फ सब्सक्राइबर ही नहीं हो बल्कि मेरे घर के मेंबर हो, मेरे अपने परिवार के जैसे हो। तो जिस जो चीज़ मुझे बहुत अच्छी रिज़ल्ट देती है और नेचुरल होती है, नुकसान बिल्कुल भी नहीं पहुँचाती, मैं वही चीज़ आप लोगों को भी बताती हूँ। आप ट्रस्ट करके देखिए, इसे बना कर इस्तेमाल करके देखिए, फिर आपको पता चलेगा। और ऐसा भी बिल्कुल मत कीजिएगा कि चलो ट्राई करके देखें, ऐसा नहीं। आप इसे वीक में दो बार तीन बार ज़रूर कीजिए, फिर आपको इसकी रिज़ल्ट बहुत अच्छी मिलने वाली। आप ऐसे भी जानते हो कि आलू हमारी स्किन पर बहुत अच्छी काम करती है, अगर दाग धब्बे हैं उसे भी ठीक करेगी, चेहरे पर आपका बहुत अच्छी ग्लो, चमक, फेयरनेस, गोरापन, आप जो भी ढूंढते हो ना वो नेचुरल तरीके से हमारे घर की चीज़ों से ही आपको मिल जाने वाली हो। आपको कहीं भागने की ज़रूरत नहीं है, बहुत ज़्यादा पैसे खर्च करने की ज़रूरत नहीं है, कोई क्रीम व्रीम ये वो कुछ भी आपको लेने की ज़रूरत नहीं। बस आप इसे घर के नेचुरल चीज़ों को बनाइए और इस्तेमाल कीजिए और आप फ़र्क साफ देख सकते हैं। आपके सामने मैंने अपने हाथों को धोया और आपको फ़र्क दिखाया है कि आप देख सकते हैं कितना ज़्यादा, पहले इस्तेमाल के बाद ही आपको फ़र्क दिखनी शुरू हो जाएगी। आप इसे लगभग 15 से 20 मिनट तक, जैसे नॉर्मल फेस पैक होता है ना जिसे हम लगा कर रखते हैं, वैसे ही रखिएगा फिर धो लीजिएगा। तो फ्रेंड्स मैं आप लोगों के लिए बहुत ही मेहनत से रिसर्च करके वीडियोज़ बनाती हूँ, तो प्लीज़ यार आप एक लाइक तो कर सकते हो ना, तो प्लीज़। और अगर आप लोगों को पसंद आए तो इसे आप शेयर भी कर दीजिए ताकि मैं आप लोगों के लिए और भी अच्छी अच्छी वीडियोस लेकर आ सकूं। तो चलिए फिर मिलते हैं ऐसे ही अच्छी अच्छी और भी वीडियोस के लिए। टाटा एंड बाय, थैंक यू।